Welcome to Vision Notice TV. 2 weeks lockdown declared in Dimahasaw. The Dimahasaw administration has declared 2 weeks lockdown from 6th of July to 19th of July 2020 due to the increasing number of positive cases in the district as well as all over the state in Assam. Recently, 8 positive cases are found in the district, and to prevent the spread of the COVID-19, the administration has decided to declare 2 weeks lockdown in the district. मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मीडिया मीडिया दोस्तों के लिए मैं इस बार एक विशेष कारण के लिए आप लोगों को बुलाया। यह कारण है कि हम लोग एक 14 दिन का लॉकडाउन के लिए तैयारी कर रहे हैं और सरकार को हमने पत्र से इन्फॉर्म किया कि हम लोग को एक लॉकडाउन का ज़रूरी है और उसी हिसाब से हम लोग को जस्टिफिकेशन जो दिया है इसमें लॉकडाउन का ज़रूरी के लिए उसका अप्रूवल हम लोग को मिल चुका है। कल ही रात को आया, उसका अनुसार हमने एक ऑर्डर इशू किया है आज के डेट में और ये लॉकडाउन जारी रहेगा 6 जुलाई से 19 जुलाई तक। पर ये लॉकडाउन इज़ ए कंडीशनल लॉकडाउन इन द सेंस दैट ये लॉकडाउन ऐसा है कि हम लोग ग्रोसरी शॉप जो है उसको अलाउ कर रहे हैं 3 times इन अ वीक फ्रॉम 11 to 4 PM मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। वो डिटेल्स लिखा हुआ है पर मैं कुछ चीज़ें जो हाईलाइट करना है वो बता रहा हूँ और हम लोग डायरेक्शन देंगे कि वो 30% जो दुकान खोलेगा उसको 30% ऑफ द शॉप दैट वी ओपन फॉर ग्रोसरीज ना, सो दे लोगों का कोई तकलीफ ना हो। ये हालांकि गुवाहाटी से 10% हायर है, गुवाहाटी 20% दिया था, हमने 30% दिया सो दैट लोगों को सहूलत हो लोगों को। और शॉपकीपर्स को जो दुकान में जो लोग हैं उनको बोला है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, मार्किंग करने के लिए अपना अपना दुकान में और मास्क वेयर करने के लिए जो से संक्रमण ना हो लोगों को और बाजार कर सके। होलसेलर्स को एक सुविधा दिया है स्टॉक रिप्लेनिश करने के लिए करीबन संडे और थर्सडे 3 PM to 6 PM का अंदर में ये स्टॉक जब लाएगा होलसेलर्स तो रिटेलर्स को वो लोग रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा। FCA का गोदाम का जो काम वो जारी रहेगा उसका रिक्वायरमेंट है बिकॉज वो तो फूड लाइन है हम लोग का। और गुड्स जो हमारे एसेंशियल कंपनी जाते हैं उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, एसेंशियल आइटम्स के लिए जो खाना वाना या समथिंग टू डू विद फूड तो एसेंशियल होता है मेडिकल के लिए। और फार्मेसीज आर ऑल्सो ओपन, जो आदमी दवाई का इमरजेंसी का रिक्वायरमेंट है वो ले सकता है। ई कॉमर्स जो अमेजोन और ये सब पर डिलीवरी करते हैं उनको एक दिन दिया गया है ऑन फ्राइडे 11 to 4 PM सो देट यू कैन गेट योर स्टाफ जो भी आप ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट या कोई हाँ जहाँ से ई कॉमर्स का काम करते हो वो हम लोग खोल के रखता है। और हम लोग फ्रूट वेजिटेबल और फिश एक्सेट्रा का स्टॉल हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, उसमें वो क्राउडिंग होता है और वो हाट बाजार भी अलाउ नहीं करेंगे। हाट फेयर वीकली मार्केट ये सब में संक्रमण जो हुआ है करीबन 120 केसेस हुआ है
ये हम लोग चाहते हैं कि ये लॉकडाउन से ये साइकिल थोड़ा तोड़ना है हम लोग को, और ये जो कर रहा है कि पब्लिक गुड्स के लिए, एक भय हुआ है आफ्टर इंसिडेंट इन जो चेक पॉइंट है मंडा डिसा में जो 6 पॉजिटिव निकला है, उससे एक भाई निकला है जो फ्रंट लाइन वर्कर है, वो एक पैक हो गया ना पुलिस का, उससे हम लोग का अंदर में ये हुआ कि हम लोग थोड़ा और प्रोटेक्शन की क्यों ना करें, जो जो दिमाग सर का लोगों को कुछ और प्रोटेक्शन दे। 14 days इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेज इन आर लाइफ, उससे हम लोग यदि प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपना, वाई नॉट। और हम लोग का जो काउंसिल है, दे आर दी पोलिटिकल पीपल, उन लोग उनका विजडम है, लोगों से वो लोग पब्लिक का साथ वो लोग टच में है, दे आर रिटर्नीज। वो लोग भी चाहता है कि ऐसा एक इमरजेंसी मीटिंग होल्ड किया और हम लोग को रिकमेंड किया, और हम लोग भी स्टडी किया ये पूरा स्टेट जो सिचुएशन स्टडी करके उसी अनुसार में हम लोग एक डिसीजन में पहुंचा। सरकार को हम लोग ने खबर दिया, प्रपोजल लिखा, उसका ऊपर में हम लोग का मेरा जो प्रपोजल है उसका अनुमोदन दिया, और अकॉर्डिंगली मैंने ये ऑर्डर पास कर दिया। ये कॉपी ऑफ ऑर्डर आप लोग को सबको मिल जाएगा फॉर पब्लिसिटी।